हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी टिक्की और स्वागत है आपको अपने ही चैनल टिक्की टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज मैं एक छोटी सी कुकिंग रिलेटेड ट्रिक्स लेके आई हूं। हर गृहिणी ये जानते होंगे और जो कोई नहीं जानते हैं शायद उनके लिए कुछ मदद हो जाए। चलिए, मार्केट से हम जैसे कि मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट में ले आते हैं, खुले में सरसों हो एक दो किलो ऐसे ले आते हैं, तिल ले आते हैं कुछ ज़्यादा, तो उन सब को कुछ मतलब प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें बारीक कंकर होते हैं, बालू होते हैं, तो उन सब को इस प्रोसेस से तो बालू और कंकर निकालना पड़ता है और धूप में सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रागी फ्लोर को। देखिए, जैसे लिया मैंने उसको लम्स फ्री किया पानी में अच्छे। आप लोगों के रागी फ्लोर में अगर बालू नहीं पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस बार जो रागी फ्लोर लेके आए थे महीने के जो ग्रोसरी में, तो इस बार के रागी फ्लोर में कुक करने के बाद थोड़ा मुंह में बालू जैसा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ इस तरह से बालू निकाल के ट्राई करते हैं, धूप में सुखाते हैं, उसके बाद छलनी से जितना भी मतलब वो तो गोला गोला हो जाएगा, उसके बाद छलनी से थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो। बालू अगर मुंह में लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो देखिए कुछ इस प्रोसेस है और मेरा कामयाब भी रहा। तो देखिए, तो ये मैंने क्यों ना सोचा, चलिए आप लोगों से भी थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं तो जैसे गेहूं का आटा हो तो रागी फ्लोर हो तो एक ही वेराइटी का है, तो उसमें अगर बालू आ जाता है तो हम सोचते हैं नहीं ये तो बेकार हो गया, इससे और कुछ नहीं हो सकता है, तो बालू तो हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई किया, मेरा कामयाब रहा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। सरसों तिल ये सब तो हम करते ही हैं, गेहूँ वगैरह, तो इस पाउडर से भी हम बालू निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसी प्रोसेस से, जैसे आप मतलब मैं बोलती ही जा रही हूँ, आप देखने में भी ध्यान दीजिए, इसी तरह से इधर से उधर, उधर से इधर करते हुए लास्ट में जितना बचता है मैं उसे फेंक दे रही हूँ। तो इतना तो हम बारीकी से उसे छांट नहीं पाएंगे, लास्ट में जितना बचता है थोड़ा बहुत तो फेंकना पड़ता ही है फ्लोर। तो इसी तरह से हम करके देखिए ये सब फेंकना पड़ेगा, इसमें से हम छांट नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों को ये तरीका सही लगता है, अगर आपको मन को भाता है, तो ज़रूर एक लाइक करना तो बनता ही है, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा जो कोई नहीं जानते हैं। ये एक जो पेपर बैग आता है, हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, कपड़े से ज़्यादा मुझे ये इजी लगा, इसमें से बहुत अच्छे से हो जाता है, पानी वगैरह निकल जाता है, और कपड़े में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इसमें बहुत आसानी तरीके से, देखिए अभी मैंने इसको धूप में सुखा दिया। ओके देन, बाय फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।